प्रणाम, मैं हूँ पुनीत शर्मा। रिलेशनशिप्स अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इनको मैनेज करना, इनको खूबसूरत बनाए रखना और एक अंडरस्टैंडिंग, केयर और रिस्पेक्ट को मैनेज करते हुए अपने हर रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाए रखने के चैलेंज को अलाइव रखना, यानी कि गिव अप मोड में नहीं चले जाना। लेकिन जब भी क्वेरीज आते हैं, जब भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, ऑल आर इन अ गिव अप मोड, यानी कि अब हम इस रिलेशनशिप को और नहीं झेल सकते और मैनेज नहीं कर सकते और टैकल नहीं कर सकते, इसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई है, इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें इतना अब्यूज़ है, इतना बुरा हाल है कि हम इस रिलेशनशिप को और कितना खींच के आगे चलें। इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, कुछ एक ऐसी रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जिनका फीडबैक आ चुका है, जिन्होंने अपना काम करके दिखाया है और जिनको मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है। बहुत ही खूबसूरती से आप अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अकेला कोई भी इंसान जीवन में चल ही नहीं सकता, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, पार्टनरशिप्स में हो, बिजनेस स्पेसिस के ऊपर हो, या आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आपके कुलीग्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके बॉसेस के साथ आपका रिलेशनशिप हो, हर जगह पे आपको चैलेंज तो होगा ही। आपको करना क्या है, आपको एक्सेप्टेंस को लेके आना है, एक्सपेक्टेशंस को दरकिनार रखते हुए। ये दो ही चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशंस को कम कीजिए, एक्सेप्टेंस को लेके आइए, रिलेशनशिप अपने आप खूबसूरत होते चले जाएंगे। साथ में आपको जो मैं रेमेडीज देने जा रही हूँ उनको आप जरूर ट्राई कीजिए, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, स्विच वर्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। जैसे कि किसी अब्यूज़ में हम लोग गाली देते हैं, उससे रिलेशनशिप बिगड़ता है, तो ऐसे ही अगर हम खूबसूरत शब्दों का चयन करते हुए उन स्विच वर्ड्स को पिरो के अपनी लाइफ में चैंट करते हैं, तो एक ब्यूटीफुल एनर्जी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अपने रिलेशनशिप्स को खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि अगर आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है तो अपने घर का नक्शा जरूर दिखा लीजिए। कई बार क्या होता है, किचन के अंदर गैस का चूल्हा और पानी का जो स्थान है जहाँ पे डिश वॉशर लगा होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं होता। कम से कम आमने सामने ना बनाइए, साथ साथ ना जोड़ के बनाइए, 4 फीट का गैप उनके बीच में भी होना चाहिए। वहाँ पे वास्तु करेक्शंस हेल्प करती है। स्विच वर्ड्स मैं आप लोगों से अभी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत एब्यूजिव हो चुका है, उसके अंदर कोई भी स्कोप आपको नहीं दिख रहा, आपको लगता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके ऊपर कमांड कर रहा है, अपनी चीज़ें थोप रहा है और आपकी कोई भी बात की वैल्यू नहीं करके डिसरिस्पेक्ट करता है आपकी, तो वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट भी करती है लाइफ में, और लाइफ में आपका इंटरेस्ट भी आप लूज़ करते जा रहे हो, तो आप ये स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हैं, आप इनको लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके साथ साथ में वाटर आप चार्ज कर सकते हो। ये 3 तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में मैं आपके साथ एक हीलिंग न्यूमेरिकल कोड जो है वो शेयर करूँगी, उसे आप अपने किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एंड तक आप इस वीडियो को देखिए। जिन लोगों ने YouTube चैनल गॉडब्लेस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि ये अपडेट्स समय रहते आप तक पहुँचें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने के लिए मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि जब आपको वो लोग थैंक्स बोलते हैं तो जो मेरी रेमेडीज़ हैं वो आपको 100% फ़ायदा देने वाली प्रूव होती हैं। ऐसा मेरा नहीं, लोगों का मानना है। आपके लिए स्विच वर्ड्स न्यूमेरिकल कोड से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल कोड को नोट कर लीजिए। रेड इंक, रेड पेन आपने इस्तेमाल करना है। 285 आप लिखिए, 285, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, स्पेस देने के बाद आप लिखिए 555, फिर आप स्पेस दीजिए, फिर लिखिए 901। ये जो न्यूमेरिकल कोड है ये हीलिंग कोड है, ये रिलेशनशिप्स को हील करने में आपकी हेल्प करेगा। इसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने अपने बॉडी पार्ट्स में लेफ्ट साइड में इसे रोज लिखने का प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपका फैमिली फोटोग्राफ आप ले लीजिए, या हस्बैंड वाइफ की अगर बात है तो हस्बैंड वाइफ का एक फोटोग्राफ आप ले लीजिए, लेकिन वो हैप्पी मूड का होना चाहिए।
फोटोग्राफ के बैक साइड पे आप इन न्यूमेरिकल हीलिंग कोड्स को, डिजिट्स को लिख दीजिए, 285555901। साथ में आप लिखेंगे उसके पीछे अपना इंटेंट कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है वो खूबसूरत हो जाए। तो आप उसके लिए अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके अपने होने चाहिए, यानी कि आपने लव को जनरेट करना है, आपने उसमें आपने अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी को एक्टिवेट करना है, तो आपका इंटेंट आपका अपना होना चाहिए। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जब भी आप फोटोग्राफ्स को ब्लेस करते हैं तो उसमें फ्रेमिंग जो होती है उसका कलर गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन फ्रेम में रखी हुई फोटोग्राफ्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है और बहुत जल्दी आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की पावर रखती है। इसके साथ साथ में जो स्विच वर्ड्स की हम बात करते हैं, तो स्विच वर्ड में एग्रीमनी वर्ड जो है, एग्रीमनी वर्ड जो है ये अपने आप में पीस को इनवाइट करता है। आपकी लाइफ में जो पीस की एब्सेंस है उसको ये लेके आता है। तो एग्रीमनी क्रैब एप्पल आपकी लाइफ से एब्यूजेस को डिलीट करता है। तो एग्रीमनी क्रैब एप्पल, उसके बाद आपने लिखना है टुगेदर एडजस्ट चेंज। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने 28 टाइम्स डेली प्रैक्टिस करना है, या मन ही मन में 28 टाइम्स आपने चैंट करना है, या आपने इन वर्ड्स को एक सर्कल पहले बनाना है। उस सर्कल को आपने किस तरह से बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। तो आप एक पेपर ले लीजिए इस तरह से, इसमें आपने आपको अगर दिखाई दे रहा है तो इसमें आपने जो सेंटर में सर्कल बनाया है इसमें आप नेम लिख दीजिए उन लोगों के जिनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं। उसके बाद आप इसे जो आउटर सर्कल है इसके अंदर आपने वो जो स्विच वर्ड्स मैंने आप लोगों से अभी शेयर किए, एग्रीमनी क्रैब एप्पल टुगेदर एडजस्ट चेंज, उसको लिख दीजिए कैपिटल लेटर्स में। और एक बार इसे और दोबारा से इनसर्कल करने के बाद में जो मैंने हीलिंग कोड आपसे शेयर किया था वो आपने कोड इसमें लिखना है। उसमें आपको मैंने पहले भी बताया 285555901। तो ये एक तरह से जो सर्कल आपके बन गए, इसे आपने इसके ऊपर आपने वाटर जग रखना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उसमें जो पानी होगा वो इसके ऊपर रखने के बाद इसकी जो इंटेंट है, इसकी जो एनर्जी है वो वाटर में शिफ्ट हो जाएगी। वो वाटर को आप डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसे स्प्रिंकल करें घर में या पीने में यूज़ करें, किसी न किसी फॉर्म में आपको वो जेल जो है, वो वाटर जो है आपको यूज़ करना है। और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आपने दो तरह के इंक यूज़ करने हैं, ग्रीन एंड रेड। अब आपने जो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे घरों में जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो इसलिए भी होते हैं कि बहुत डिफरेंट माइंडसेट के लोग एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं। तो आपने हर एक को अपना स्पेस देना है, यानी कि आपने किसी भी बात के ऊपर आर्गुमेंट को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं वो करना है। लेकिन फ्राइडे के दिन आपके घर के अंदर, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट के लोग रह रहे हैं, तो फ्राइडे के दिन आपने अपने घर में कैंफर और दो लौंग जरूर जलाने हैं, और उसको जलाने के बाद पूरे घर में घुमाना है। और ध्यान रखिए कि फ्राइडे को ही अपने घर की बेडशीट्स को चेंज करने की एक हैबिट जरूर रखिए। अगर आप ये सब करते हैं तो ये स्विच वर्ड भी आपके लिए मैजिकल वर्क करेंगे। इंक मैंने आपको बता दी, ग्रीन एंड रेड, ये दो इंक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप हील करने के लिए, न्यूमेरिकल कोड लिखने के लिए, लेकिन रेड इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो रेड को ही आपने प्रेफरेंस देना है। आप लोग जितने भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ एंटरटेन नहीं की जाएगी। आप लोग हमें मेल कर सकते हो अपने स्पेसिफिक क्वेरीज के साथ, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, उनके लिए हीलिंग सेशंस किए जाते हैं। आपको जो मेल है वो मैं आईडी शेयर कर रही हूँ, astro_puneet@yahoo.in। आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, इस चैनल से जो आप लोगों ने हमें सहयोग दिया, आप लोगों ने जो इसे सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। अपने शब्दों को विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, न्यू सॉल्यूशंस के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।